everyone. I'm Khushbu Revatkar. Please watch INN 24 International News Network. Hi, I'm Nikita Sharma and you're watching INN 24. Hello, this is Palak Nas and you are watching INN 24. Hi, my name is Pooja Sharma and you're watching INN 24. नमस्कार, स्वागत है आपका INN 24 पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस सर्चिंग के दौरान मुठभेड़ में मारा गया वर्दीधारी नक्सली, कई हथियार भी हुए बरामद। बिहार के गया हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन में भारी मात्रा में गांजा हुआ बरामद, रेल प्रशासन पर उठे सवालिया निशान। झारखंड के गिरिडीह में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाभुकों में बांटे गए 8,16,000 रुपए। और बिहार के गया में एसएसपी कार्यालय में महिला सेल का किया गया उद्घाटन। केंद्र सरकार द्वारा अध्यापक दिवस पर राष्ट्रीय अध्यापक अवार्ड में पंजाब के गुरदासपुर के डॉक्टर परमजीत सिंह कलसी का भी चयन हुआ है। डॉक्टर परमजीत सिंह कलसी, जिनका जन्म मांझा के गांव उधनवाल में 4 अप्रैल 1977 को हुआ और गांव के गुरु तेग बहादुर हाई स्कूल से 1992 में 10वीं पास करने के बाद उत्तरी भारत के सुप्रसिद्ध बेरिंग यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज में अपनी शिक्षा ली। बेरिंग कॉलेज में पंजाबी की एमए की, जिससे उनका विश्वास और भी बढ़ गया और एक साल उसी कॉलेज में बतौर पंजाबी लेक्चरर के तौर पर सेवा भी निभाई। जबकि एमए पंजाबी करने के बाद उन्होंने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में पीएचडी में दाखिला ले लिया और इसी बीच उनकी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल धारोवाली जिला गुरदासपुर में बतौर पंजाबी लेक्चरर की नियुक्ति हो गई, जहां पर 4 साल सेवा तथा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेखवा में 7 साल सेवा निभाने के बाद साल 2011 से सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल आलीवाल में अब सेवा निभा रहे हैं। डॉक्टर कलसी के द्वारा एक रिसर्च किताब, 2 रिसर्च थीसेज तथा 39 रिसर्च आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न सरकारी संस्थाओं के माध्यम से स्कूल के विकास पर करीब 72 लाख रुपए का विकास करवाया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सारक समता संस्था द्वारा बढ़िया अध्यापक के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सारक समता अवार्ड से सम्मानित किया गया तथा इसी साल उन्हें शिक्षक श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जबकि पंजाब सरकार की तरफ से भी साल 2012 में अध्यापक दिवस पर राजकीय अध्यापक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साढ़े लैक्चरार सरदार परमजीत सिंह कलसी, जिन्हों को नैशनल अवार्ड मिल रहा, साडा स्कूल जिहड़ा बड़ा मान ते गौरव नाल जिहड़ा खुशी महसूस कर रहा। उन्होंने साढ़े स्कूल दे विच जिहड़ा पंजाबी भवन एक तैयार करवाया, होर भी सिक्ख्या संबंध में नवी तो नवी तकनीकां जिहड़ियां बच्चों दसदे आ, तो जिथे कई गरीब बच्चों की भी मदद करते, बहुत सारे उन्होंने जिहड़े काम किए आ, तो अज जिहड़ा जो अवार्ड मिल रहा उन्होंने उन्होंने कामों प्रति जिहड़ा मिल रहा, सारे ही अध्यापक साथियों ने पूरा उन्होंने सहयोग दिता। आने वाले समय में असं आस करते हैं कि इस तरह जो कोई अगे भी कोई काम चंगा करता तो उसका साथ देंगे। हम कहना चाहेंगे कि हमारे स्कूल के पंजाबी के लेक्चर टीचर सरदार परमजीत सिंह कलसी, वो उनको राष्ट्रपति के तरफ से अवार्ड मिलने जा रहा है, इसके लिए हमारे टीचर्स एंड विद्यार्थी बहुत खुशी की लहर उठी है कि उनको के अवार्ड राष्ट्रपति के तरफ से अवार्ड मिलने जा रहा है। बिहार प्रदेश का बक्सर जिला शुरू से ही विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। शायद यही वजह है कि विश्व के कई देशों से पर्यटक अक्सर बक्सर आते हैं और यहाँ की संस्कृति और प्रकृति के अलावा यहाँ के इतिहास को करीब से जानते और देखते हैं। इसी कड़ी में भारत की सैर पर निकले कई विदेशी सैलानी गंगा की लहरों पर सैर करते हुए विश्वामित्र मुनि की पावन स्थली बक्सर पहुंचे। बक्सर पहुंचकर उन्होंने इतिहास के पन्नों में दर्ज चौसा की लड़ाई का मैदान देखा और वहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा बक्सर पहुंचे विदेशी पर्यटकों ने अंग्रेजों के जमाने का इंग्लिश कब्रिस्तान और बक्सर के ऐतिहासिक रामरेखा घाट का भी भ्रमण किया। सुबह के कई इलाकों के भ्रमण के उपरांत उन्होंने कहा कि बिहार के लोग काफी फ्रेंडली हैं और यहां के बच्चे काफी मनमोहक। यूके और ऑस्ट्रेलिया से पहुंचे इन सैलानियों को देखने और उनके साथ सेल्फी लेने का आम लोगों में होड़ सी मची रही। बक्सर पहुंचे इन सैलानियों ने भारत देश और खासकर बिहार और बिहारियों की जमकर तारीफ की। गौरतलब है कि बक्सर को बनारस के बाद मिनी काशी के नाम से जाना जाता है और यहां की संस्कृति और इतिहास काफी प्राचीन है। शायद यही वजह है कि विदेशी पर्यटक सहसा ही इधर खींचे चले आते हैं।
हालांकि जरूरत इस बात की है कि अपने अस्तित्व को खो रहे बक्सर के इतिहास को और संजोया जाए ताकि आने वाले दिनों में भी बक्सर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहे. But also to learn about India and its people. We have seen many beautiful things and met some wonderful people, lovely children, your future. Thank you, we're having a lovely time. बिहार में गया के एसएसपी कार्यालय में गया के सिटी एसपी ने महिला सेल कार्यालय का उद्घाटन रिबन काटकर किया. इस अवसर पर सिटी एसपी जगन्नाथ जल्ला रेड्डी ने कहा कि इस कार्यालय में मुख्य रूप से महिलाओं की समस्या खासकर घरेलू झगड़े, सास ससुर, पति पत्नी, देवर आदि परिवार संबंधी झगड़ों का निपटारा किया जाएगा, जिससे परिवार में केस के बाद अदालत में जब सुलहनामा करते हैं, जब घर जाते हैं तो कुछ न कुछ कटुता रह जाती है और पुलिस के साथ साथ कोर्ट का भी वक्त जाया होता है. इसी के मद्देनजर इसका कार्यालय खोला गया ताकि परिवार में समझौता कर मामले का निपटारा यहीं से किया जा सके. महिला सेल के श्रद्धा कुमारी ने बताया कि बिहार में इस तरह की भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, किशनगंज में है और अब गया में खोला गया है. विशेष महिला प्रकोष्ठ के निम्नांकित कार्य हैं जो कि महिलाओं को परामर्श के द्वारा भावनात्मक, परिवार एवं समुदाय के साथ बैठक द्वारा महिला के सहारे की व्यवस्था करना, महिला के जरूरत के अनुसार पुलिस की मदद लेना, कानूनी जानकारी प्राप्त करना एवं कानूनी सहायता करना, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के लिए पुरुष के साथ हस्तक्षेप करना आदि सहयोग करने का दावा किया है. राष्ट्रीय महिला कोषांग एक महिला नेशनल कमीशन वुमन जो है उनका द्वारा एक महिला कोषांग बनाया गया है वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में. वो जो कोषांग है महिला के संबंधित जो भी समस्या है ये लोग उसको कंप्लेंट का अप्लीकेशन ले लेंगे और अप्लीकेशन लेने के बाद उनका समस्या का समझौता करने के लिए कोशिश करेंगे और उनका जो भी समस्या है ये निपटारा करेंगे. अभी सास ससुर का झगड़ा रहता है और बहू सास के बाद झगड़ा रहता है, पति पत्नी के बीच झगड़ा रहता है, महिला के संबंधित जो भी झगड़ा का होते हैं घरेलू हिंसा संबंधित और महिला का और न तरीके की समस्या जो भी होगी तो महिला का जो कोषांग है ये डील करेगा. छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस ने 3 दिनों का संयुक्त ऑपरेशन चलाकर एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें जवानों ने एक वर्दीधारी नक्सली को मारकर उसका AK-47 हथियार बरामद किया है. इस ऑपरेशन में जिला बल का एक जवान भी घायल हुआ है, जिसका इलाज बीजापुर के जिला अस्पताल में जारी है. वही घटनास्थल की सर्चिंग करने पर जवानों ने एक वर्दीधारी नक्सली के शव के साथ एक AK-47 हथियार, 8 नग जिंदा कारतूस, डेटोनेटर व अन्य दैनिक उपयोगी सामान आदि बरामद किया. पुलिस के आला अधिकारी के अनुसार मुठभेड़ में मारे गए नक्सली की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है, पर मौके से बरामद किए गए बड़े हथियार से मारे गए माओवादी के बड़े पद में होने के कयास लगाए जा रहे हैं. बेसिकली 1 तारीख को पार्टी डिफरेंट लोकेशन से रवाना हुई थी. दिनांक 1 तारीख को थाना बेदरे के जब ग्राम मुक्का वेली के जंगल से जब पार्टी गुजर रही थी तो उसमें नक्सलियों के कुछ मूवमेंट का पता चला और ये लोग टैक्टिकली मूव कर रहे थे, तभी इनके ऊपर नक्सलियों के द्वारा हैवी फायर किया गया और ये फायर उनके द्वारा ऑटोमेटिक, इसके अलावा एरिया वेपन का भी यूज़ किया गया था, जिसका सुरक्षा बलों द्वारा सेल्फ डिफेंस में माकूल जवाब दिया गया और ये इनकाउंटर करीब 50 से 55 मिनट तक चला. चूँकि शाम का समय हो चला था और अंधेरा भी होने वाला था, इसलिए जब इनकाउंटर जब गोलीबारी समाप्त हो गई उसके बाद जब एरिया का सर्च किया गया तो उसमें एक नक्सली का शव जिसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है तथा मौके से एक AK-47, एक मैगजीन, 8 जिंदा राउंड, इसके अतिरिक्त पिट्ठू, नक्सली डॉक्यूमेंट्स, रोजमर्रा के बहुत सारे सामान वहां से बरामद हुए हैं. बिहार के गया रेलवे से ढोई जा रही नशीली पदार्थ की बड़ी खेप को गया रेल पुलिस ने गया जंक्शन से बरामद किया है. गया हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के लगेज भान से 20 पैकेट को गया जंक्शन से उतारी गई. गया रेल पुलिस ने जब बंद पैकेटों की जांच की तो रेल प्रशासन के होश उड़ गए. 400 किलोग्राम बरामद गांजे की कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है. पटना रेल एसपी ने गया रेल थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अब की जांच में यह सामने आया है कि हावड़ा जंक्शन से ऋषिकेश मुखर्जी के द्वारा वैशाली के राजकुमार रॉय को यह खेप भेजी थी. गया से यह खेप संभवतः वैशाली भेजी जाती. उन्होंने बताया कि रेलकर्मी और कई पार्सल कर्मियों की लापरवाही प्रतीत होती है. अनुसंधान में जो भी दोषी पाए जाएंगे विभागीय कार्रवाई के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.
जंक्शन पर प्रवेश करते ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक सरे मशीन लगाई गई है, जहां से यात्रियों के बैग, सामान और पार्सल में बुक कराए गए सामान पैकेटों की जांच की जाती है, ताकि कोई आपत्तिजनक वस्तु या विस्फोटक सामान ना हो। वहीं रेल प्रशासन पर कई सवालिया निशान उठते हैं कि आखिर 400 किलोग्राम गांजा लगेज भान से गया कैसे पहुंचा। हावड़ा गया मेल एक्सप्रेस ट्रेन है जो हावड़ा से चली थी और गया जंक्शन पर आई थी, उसके बीच जो लगेज भान है उससे जो आर्टिकल उतारा गया था उसमें 20 पैकेट है जो गांजा का है, और वहां से ऋषिकेश मुखर्जी के द्वारा हावड़ा से बुक द्वारा संजय कोरी के माध्यम से गया भेजा गया था, और यहाँ से जो आपके कार्तिक हैं उसके माध्यम से राजकुमार राय हैं जो वैशाली के रहने वाले हैं उनके पास यह भेजा गया था। लेकिन स्पेसिफिक इनपुट था इस पर हमारे यहाँ के इंस्पेक्टर सुशील कुमार हैं, अफसर इंचार्ज परशुराम हैं, और इनके ऑफिस के जितने भी पुलिस कर्मी थे सभी लोगों ने मिल करके उसको चेक किया तो ये समझ बना दिया। करीब 4 क्विंटल गांजा है और हमको लगता है 70-80 लाख के आसपास इसका मार्केट वैल्यू संभव। झारखंड में गिरिडीह के राजधनवार थाना क्षेत्र के अंदर चोरी की लगातार घटनाओं के बाद धनवार बाजार के हृदय स्थल माने जाने वाले बड़ा चौक सिनेमा रोड में अपराधियों ने गोली चलाकर विनीता ड्रेसेस के मालिक के आवास में भीषण डकैती को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दी है। आरोपियों द्वारा चलाए गए गोली से गृहस्वामी बाल बाल बच गए, जबकि घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। हथियार से लैस अपराधियों ने महिलाओं की भी पिटाई कर हथियार के सहारे अलमारी तोड़कर जेवरात सहित नकदी लूटकर चलते बने। अपराधियों की संख्या 4 बताई जा रही है। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पहुंची, लेकिन तब तक अपराधी भाग चुके थे। बिहार में समस्तीपुर के रोसड़ा में होमगार्ड जवान की अचानक तबियत बिगड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। होमगार्ड जवान राम नरेश भगत रोसड़ा उपकारा में पदस्थापित था। घटना के संबंध में उनके सहकर्मियों का बताना है कि ड्यूटी से लौटने के बाद उन्हें कैद दस्त की शिकायत के बाद अनन-फानन में अनुमंडलीय अस्पताल रोसड़ा ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान होमगार्ड जवान की मौत हो गई। मौत के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। होमगार्ड जवान की मौत को लेकर संघ के जिलाध्यक्ष ने मृतक के आश्रितों को 4 लाख रुपए और एक सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी देने की मांग की है। ये होमगार्ड के जवान थे, 3 नंबर गुमती पर ड्यूटी करते रहते जेल में थे। हाँ, तबियत खराब हो जाने के क्रम हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बाद इलाज के दौरान इनका मृत्यु हो गया। रूम थे हम लोग का ना, उसी जगह जेल पर से उतर के अथी है रोसड़ा जेल पर से अति इसके बाद वो फोन था जमा करके अति इसके बाद गए थे, वहीं पर उल्टी दस्त हुआ, वह हम ले गए हॉस्पिटल रोसड़ा हॉस्पिटल, 15 मिनट अंदर ही वेट कर। गिरा चेक रोसड़ा जेल ड्यूटी में हमारा है प्राथमिक था, इसका ड्यूटी से उतरने के बाद एक आए उसका तबीयत खराब हुआ, वहीं जो है से कैदस्त हुआ, कैदस्त होने का उसको इलाज के लिए सदर रोसड़ा हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहीं इसका जो है इलाज के दरमियान ही इसका मृत्यु हो गई। इसलिए हम विभाग से चाहते हैं कि वह इसका सही मुआवजा 4 लाख रुपया जो मुआवजा मिलना है उसको उचित मुआवजा मिले और उनकी बच्चा को अनुकंपा की नौकरी मिले। यह मैं संघ की ओर से कामेश्वर अध्यक्ष गृह रक्षा वाहिनी अध्यक्ष में मांग कर रहा हूँ और मैं प्रशासन को जानना चाहता हूं कि इनके जो है सुविधा सब मिले और मिलना चाहिए। झारखंड के गुमला सदर अस्पताल में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के माता पिता की लापरवाही के कारण मासूम की जान चली गई। दरअसल मोकरा पंचायत टोटो का यह मासूम 7 वर्षीय बच्चा काफी लंबे समय से बीमार था, लेकिन माता पिता इसका इलाज तो करवाना दूर की बात है, इसे छोड़कर गांव से खुद बाहर चले गए। लेकिन आज जब बच्चे की तबीयत अचानक काफी खराब हो गई तो पास पड़ोस के लोग उसे लेकर सदर अस्पताल आए, जहां मौजूद कई लोगों के साथ पत्रकारों ने भी चंदा जमा कर उसे रांची भेजने की पहल शुरू की। लेकिन मासूम की किस्मत में मौत लिखा था और वह मर गया। वही इस घटना से चिकित्सक सह उपाधीक्षक डॉक्टर आर.एन. यादव भी काफी दुखी नजर आए। उन्होंने कहा कि मासूम को बचाने के लिए उन लोगों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में होमोग्लोबिन कम था, जिस स्थिति में बचना मुश्किल है। बिहार के समस्तीपुर में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर में एक महिला
साहिना जिया फातिमा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कल्याणपुर पुलिस ने शव को घर के अंदर से बरामद किया। इस मामले में मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और गले में फंदा लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। इस मामले में कल्याणपुर पुलिस ने मृतक महिला के पति और सास को गिरफ्तार किया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। महिला की मौत की असली वजह क्या है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा। रात में 8 बजे मेरा छोटा भाई गया था, वो तकरीबन वहाँ से 9 बजे आया। उसके बाद मेरी सिस्टर 10:30 बजे फ़ोन करती है, बोलती कि भैया तुम पहुँच गए, मम्मी से पूछी। और 12 बजे 12:30 बजे के करीब उसका हस्बैंड फ़ोन करता है और बोलता है कि वो नहीं रही, सो फांसी लगा के डेथ हो गया। जी, इसमें क्या कुछ लग रहा है? फ्री प्लान है ये, अगर कुछ रहेगा तो मेरी सिस्टर बोलेगी ना एक बार। जी, मेरी सिस्टर एक बार बोलेगी ना, ये पूरी फैमिली मिलके जो है ना दहेज के लिए हमेशा टॉर्चर ऐसे ही करती थी, लेकिन वो मम्मी लोग बताती नहीं थी फैमिली को लेकर कि छोटी मोटी बात क्या बच्चे लोग को बताओ, हम लोग हमेशा रहते हैं बाहर रहते हैं और ये सब पूरा प्लान करके लोग ना मारा। शेरपुर का घटना है, जो मालूम हुआ जो फांसी लगा करके एक लेडीज जो है सो मर गई, जैसे हम इसके बाद जो है सो मार दिया गया है। उसके बाद हमको कमान मिला पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल में। बिहार में बक्सर के धनसोई थाना स्थित धनसोई बाजार में सिलेंडर में आग लगने से एक महिला बुरी तरह झुलस गई। आग की चपेट में आने से झुलसी महिला की गंभीर हालत को देखते हुए आनन-फानन में उसे बक्सर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि दूध गर्म करने के दौरान महिला का ध्यान भटक गया और इसी दौरान आग ने उसके दामन को पकड़ लिया। देखते ही देखते आग पूरे शरीर में फैल गई और घर में कोहराम मच गया। महिला के जल जाने पर स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग को बुझाया और महिला को अस्पताल पहुंचाया। सर, मेरी लड़की 7-8 महीने में थी, मेरी लड़की 7-8 महीने के दूध गर्म करते रहे, दूध गर्म करते रहे ना बुहे ना ध्यान दें कि कैसे मैंने कैसे कपड़ा लग गए और पूरा हुए हो जर बनी। पापा हमारे घर रहते ना फैलान, एगो भाई पुणे एगो भाई वहाँ से आए रहे। कौन चीज पर स्टॉप पर गैस के चूल्हा रहा है? गैस के चूल्हा पर। झारखंड में गिरिडीह के सरिया बगोदर अनुमंडल के बिरनी प्रखंड सभागार में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिरनी प्रखंड के 9 पंचायतों के कुल 67 गरीब लाभुकों के बीच करीब 8,16,000 रुपए वितरण किया गया। सभी लाभुकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 12,000 रुपए का चेक देकर अपना अपना शौचालय गुणवत्तापूर्ण रूप से बनाने का निर्देश दिया गया। बतौर मुख्य अतिथि बगोदर विधायक नगेंद्र महतो ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए जा रहे शौचालय से माँ बहने एवं गरीब जन लाभान्वित हो रहे हैं तथा सभी लोग आज से अगर ठान ले कि अपने अपने गांव को खुले में कोई शौच मुक्त बनाना है तो जल्द ही हमारा देश बीमारियों से मुक्त देश बन जाएगा। गरीबों के बारे कभी किसी ने सोचा नहीं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 साल के अंतराल में काफ़ी पूरे देश के गरीबों के बारे में, माताओं के बारे में, मान सम्मान के बारे में उनने सोचा समझा और हर महिलाओं को हर घर में शौचालय देने का कार्यक्रम उन्होंने सोचा दिमाग में और आज हर घर में शौचालय देने की बात हो रही है। हमारी माताएं बहनें सूर्य उदय और सूर्य अस्त का इंतजार किया करती थी, तब शौच के लिए जाया करती थी, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी एक गरीब गुरुओं का परिवार से पैदा लेने वाला व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बना तो भारत का इतिहास के पन्ने को पलटने का काम किया। जो गांधी जी का सपना था उस सपने को साकार करने का अगर काम शुरुआत किया है वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। एम के तहत जो शौचालय निर्माण किए जा रहे हैं उसमें 9 पंचायत के विभिन्न लाभुकों को 12,000 रुपये की अनुदान राशि का चेक उपलब्ध कराया गया है और साथ ही साथ उन लोगों को निर्देश दिया गया गुणवत्तापूर्ण तरीके से शौचालय का निर्माण करें और उसका उपयोग भी करें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कठिनाई न हो और SBM पाइप मिशन वो हमारा सफल हो सके। बिहार के गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला तैयारी आज पूरी कर ली गई है।
इसकी जानकारी गया जिलाधिकारी कुमार रवि एवं वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। जिलाधिकारी कुमार रवि ने कहा कि जिले में जितने पदाधिकारियों के प्रति नियुक्ति की गई थी सभी को कमान दे दिया गया एवं अधिकारियों के साथ कार्यों के निष्पादन संबंधित जानकारी दी गई कि उन्हें किस तरह और किन किन क्षेत्रों में प्रतिपक्ष मेला को सफल बनाने हेतु चौकस रहकर ड्यूटी करनी है। मेला क्षेत्र में पुलिस पदाधिकारी मजिस्ट्रेट के अलावा 4 स्वचालित टॉयलेट चलाया जाएगा और एक विशेष टीम गठित की गई जिसका काम वैसे लोगों पर निगरानी करना रहेगा जो खुले स्थानों पर शौच कर गंदगी फैलाते हैं। इस मेले में बिहार सरकार की ओर से 70 लाख रुपए मेले की तैयारी में खर्च के लिए आवंटित किए गए हैं। मेला कल 5 सितंबर से प्रारंभ होगा और 15 दिनों तक यह पितृपक्ष मेला चलेगा। गया में कई स्थानों से लोग यहां पर पूरे देश विदेश से आते हैं और यहां पर पितृपक्ष में पिंडदान करते हैं। उन यात्रियों की सुविधा के लिए यहां पर जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है और यहां पर उनके आवासन के लिए पूरे मेला क्षेत्र के साफ सफाई के लिए स्वास्थ्य के लिए तथा सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में यहाँ पर सारे संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। इस वर्ष नगर निगम के द्वारा भी कई सारे कार्य अतिरिक्त रूप से कराए गए हैं जिससे कि यहाँ पर काफ़ी साफ सफाई हम लोगों को देखने को मिलेगी। लगभग 3,000 पुलिस बल जो है उसकी प्रतिनियुक्ति हुई है। पूरे मेला क्षेत्र को 7 DSPs के अंडर जो है 7 सेक्टर्स में बांटा गया है। इसके अलावा 181 पॉइंट्स पर डिप्लॉयमेंट है, 38 जोन है और 70 अस्थायी पुलिस शिविर जो है उसकी स्थापना की गई है। अस्थायी पुलिस शिविर जो है वो 2400 घंटा कार्यरत रहेंगे। इसके अलावा जो है वो लगभग 5 जगहों पे हम लोगों ने कंट्रोल रूम्स इस्टेब्लिश किए हैं जो 2400 घंटा कार्यरत रहेंगे और सूचना का यहाँ से आदान प्रदान होगा। हम लोगों ने फिर पेट्रोलिंग की व्यवस्था जो है वो 4 टीयर्स में की है। फूट पेट्रोलिंग और हॉर्सबैक पेट्रोलिंग जो है अश्वरोही दस्ते से पेट्रोलिंग घाट क्षेत्र में रहेगी। इसके अलावा जो भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र रहता है मंदिर के आसपास वहाँ पर बाइक से पेट्रोलिंग की जाएगी और बाहरी एरिया जो है उससे उस वहाँ पर 4 चक्का वाहन जो है उससे पेट्रोलिंग की व्यवस्था होगी। सीसीटीवी कैमराज जो है लगभग 100 की संख्या में इंस्टॉल किए गए हैं। 11 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड के डुमरी प्रखंड कार्यालय प्रांगण में आसू पार्टी ने एक दिवसीय धरना देते हुए भ्रष्टाचार व भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध हल्ला बोला। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद मत द्वारा 2016-17 योजना संख्या 9 जिसके तहत डुमरी के चेगरो पंचायत में शमशान घाट के निर्माण में हुए घोटाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। वह योजना संख्या 2 2013-14 विधायक मद से जामताड़ा पंचायत के पिपराडी ग्राम में राशि 11,13,200 रुपए की लागत से बने किसान भवन का कोई आता पता नहीं है और ना ही पिपराडी ग्राम में कोई किसान भवन धरातल में दिखाई दे रहा है। संबंधित कई मामलों में घोटालों को लेकर आसू पार्टी ने धरना के माध्यम से चेतावनी दी कि प्रशासन इसका जवाब दे अन्यथा आसू पार्टी उग्र आंदोलन को बाध्य हो जाएगी। धरना का मुख्य उद्देश्य है कि योजना संख्या सांसद मद के 9/2016-17 163,000 के योजना को 1 रुपया खर्चा नहीं करके 160,000 रुपये की निकासी की गई है। उसी तरह विधायक कोटे के किसान भवन जमतारा पंचायत के पिपराडी में निर्माण किया गया योजना संख्या 2/13/14 में वो किसान भवन कहाँ है अभी तक किसानों को पता नहीं है। हमको लगता है कि उसमें भी विभागीय पदाधिकारी मिलकर बंदरबांट किया गया है। इन सारी मांगों को लेकर के हम लोग आज धरना दे रहे हैं। जो दोषी पदाधिकारी है उस पर अगर FIR नहीं किया गया और उसको जेल नहीं भेजा गया तो दुर्गा पूजा के बाद अमरन अनशन के लेकर के पार्टी चरम बद आंदोलन करेगी। जब तक दोषी पदाधिकारी पर नहीं कानूनी कार्रवाई की जाएगी तब तक आज सुपार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। बिहार में समस्तीपुर के हरपुर इलौथ स्थित अम्बेडकर आवासीय छात्रावास के प्रभारी की लापरवाही सामने आई है। सातवीं क्लास की छात्रा श्वेता की बीती रात अचानक तबियत बिगड़ गयी। छात्रा द्वारा स्कूल के शिक्षिका से तबियत खराब होने की बात कही लेकिन शिक्षिका ने छात्रा को बहानेबाजी करने की बात कहकर फटकार दिया। बाद में छात्रा की तबियत बिगड़ने लगी तब छात्रावास की प्राचार्या ने छात्रा को उसके एक रिश्तेदार के घर पहुंचा दिया। इस मामले में बीमार छात्रा के परिजनों का आरोप है कि आवासीय विद्यालय में रह रही छात्रा की तबियत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल ले जाने के बजाय उसके लोकल गार्जियन के घर मथुरापुर में छोड़ दिया गया।
बाद में परिजनों के कहने पर प्राचार्य के द्वारा उसे एक निजी क्लिनिक के बाहर छोड़ दिया गया। फिर बुखार मिला, हम बोले मैम को, मैम बोले सब लड़की को पहले ले जाती थी हॉस्पिटल, तो सब दिन 6 लड़की 7 लड़की जाती थी, तो मैम बोले ये सब नौटंकी है, सब कोई लड़की कुछ नहीं हुआ है, आप किसी को भी नहीं ले जाएंगे हॉस्पिटल, तो हमको भी मतलब नहीं ले गए, तो रात में फिर बूते से कब किए बहाना, इसको घर नहीं जाने दिए, इसके लिए ऐसे लोग करती है बहाना, आप बहुत सीरियस थे मैम को इसको छोड़ दो, नहीं दे सब लड़की छोड़ दो इसको, मैम थप्पड़ भी उठा ली मारने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें INN24 पर। नमस्कार।